What's up दोस्तों, वेलकम टू द चैनल भूल भुलैया 3 आ रही है और उसका आ गया है भूल भुलैया 3। अभी ही तो 2 गुजरी थी, 2 गुजर चुकी है ना, 3 भी आ रही है, 4 ही आ रही है। वेल ये बात है कि अभी मतलब कुछ ही टाइम, मतलब मैंने भी अभी 1 महीना पहले ही देखी थी, क्योंकि जितना देखा जाए भूल भुलैया जब आई थी वो कितने साल 2008 में आई थी, और उसके बाद भूल भुलैया 2 अभी ही कुछ अर्से पहले मैंने देखी है, एटलीस्ट लाइक आई ही कुछ ही टाइम पहले। अब नेटफ्लिक्स के ऊपर मैंने भी अभी 1 महीने पहले ही देखी है, लेकिन उसका टीजर है अभी, मतलब टीजर दे दिया गया है, कार्तिक आर्यन है इसमें, कार्तिक आर्यन ही है और बाकी जो है अभी उन्होंने और कास्ट में ना उनकी बहुत जबरदस्त एक्टिंग, ब्रिलियंट और मजे की बात, एक और बात है क्योंकि उस टाइम पे बॉलीवुड क्योंकि डाउन हो रहा था, लेकिन वो मूवी वाकई में डिजर्व करती है और यार फनी भी काफी थी, कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन ने जो अपनी केमिस्ट्री दिखाई थी, जिस तरीके से वो मिलते हैं बस में आना और सुबह वो वो बाबा बन जाते ना, भूत बाबा था ये, इसी टाइम वो भूत बाबा, वो है ना रू बाबा वो कहता है कि मैं रू निकालता हूँ, रू से बातें करता हूँ, तो कियारा आडवाणी कहती है कि आप ये बोलो कि मैं चली गई हूँ, मतलब बहुत मजे की और फनी स्टोरी थी वो, और उसमें तब्बू जी भी थी, उन्होंने 2 कैरेक्टर्स प्ले किए थे, तो अंजुलिका मंजुलिका दोनों बहनों, बहुत जबरदस्त कैरेक्टर था उनका भी, उन्होंने भी काफी आर्टिस्टिक एक्टिंग की थी, 2 कैरेक्टर्स प्ले किए थे। तो देखते हैं अब भूल भुलैया 3 क्योंकि फौरन ही आ रही है और मुझे भी पहले यकीन नहीं आया, मैंने सोचा शायद किसी ने फेक फैन में टीजर डाल दिया होगा, पर टी सीरीज की ऑफिशियल आई है कि मतलब अब भूल भुलैया 3 भी आ रही है, इसका मतलब इस फिल्म इतनी चली है, सब क्रेज इतना आया ना, तो उन्होंने इसको फटाफट, हाँ, और उसमें भी वापस कार्तिक आर्यन सर को लिया है, लेकिन यार अक्षय सर वाली और वो जो विद्या बालन वाली थी भूल भुलैया 1, हाँ, वो भी बहुत अच्छी थी, बल्कि वो तो मास्टरपीस थी, और 2008 में जिस तरह की वो आई थी वो बहुत कमाल की थी। राजपाल यादव थे उसमें भी, उनका करेक्टर था एक फनी सा, इसमें भी एक फनी करेक्टर उनको दिया है, अब देखते हैं, मुझे लगता है वो भी फन में आएंगे राजपाल यादव सर भी, तो वो एक मस्ट होते हैं, हाँ, उनके बगैर तो फन अधूरा है। अच्छा कुछ है बॉलीवुड में ऐसे स्टार्स हैं, जॉनी लीवर हैं या राजपाल यादव हैं, कि ये बहुत फन, मतलब अगर किसी ने फन डालना हो ना इनको, इनको कास्ट करना बहुत जरूरी होता है, वरना फिल्म फीकी पड़ जाती है। तो देखते हैं ये भूल भुलैया 3 का, ओ माई गॉड अनाउंसमेंट है, मैं टीजर लगा रहा हूँ, तो ये अनाउंसमेंट है भूल भुलैया 3 की, तो करते हैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो इस चैनल पे है न्यू व्यूअर्स वो चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो विदाउट फर्दर अडू हियर आई एम प्लेइंग द वीडियो। क्या लगा कहानी खत्म हो गई? दरवाजे तो बंद होते ही ताकि एक दिन फिर से खुल सके। आमी जे तोमार शुधु जे तोमार आमी जे तोमार। मैं आत्माओं से सिर्फ बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। देखा रूह बाबा रिटर्न दिवाली 2024 अगले साल आएगी, फिर भी टाइम है, अब एक साल सारी बातें शूटिंग होगी, उसके बाद एडिटिंग होगी, पता नहीं स्क्रिप्ट्स लिखे जाएंगे, बहुत कुछ होगा, अभी तो एक्ट्रेस भी नहीं डिसाइड की कौन है, अभी तो वो भी पता चलेगा, वो ये कंफर्म है कि कार्तिक आर्यन है, और मतलब कहते ना कि मेरे आत्माओं से बात नहीं करता, कभी कभार मेरे में भी आ जाती है, और वो सारा खेल था उस दरवाजे को बंद करने का, वो लास्ट में दिखाते हैं, क्योंकि जो भूल भुलैया 2 में थी वो जो बुरा किया, हाँ, उसने बुरा किया होता, वो उस रूम में जस्ट बंद हो जाती, हाँ, है ना, तो ये कहता है कभी कभार रूम बंद ही नहीं होता, कभी कभार बंद और खुलता है इसलिए कि वापस आया जाया जा सके, बट आई एम सो एक्साइटेड, देखो रूह बाबा रिटर्न्स आ रही है फिल्म, लेकिन एक साल है, लेकिन इस एक साल के अंदर अंदर डेफिनेटली टीजर ट्रेलर प्रोमो सॉन्ग बहुत कुछ आएगा, इतनी आसानी से भूल भुलैया 3 नहीं रिलीज की जाएगी, थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट ओवरऑल कार्तिक आर्यन कि जो इसमें वरना फनी कैरेक्टर भी करे तो इसमें जिन्होंने कि ना एक हॉरर फनी कॉमिक कैरेक्टर मिक्स किया है, इनकी एक जबरदस्त सी एक्टिंग, इनकी मतलब मतलब ये अगर इनको ये बोला जाए आपने हॉरर करनी है, ही कैन डू हॉरर, और ये बता जाए कि ये बोला जाए ना हॉरर और कॉमेडी मिक्स आपकी एक्सप्रेशन आना चाहिए, वो भी निकाल, बहुत मुश्किल होता है
ये वाला मोस्टली अगर किसी को बोले तो ना आपने आपने ड्रामा बनना है वो हॉरर बन जाते हैं, फिर हंसी नहीं आएगी, फिर डर ही लगेगा, डर लगेगा। ये हंसा भी सकते हैं, डरा भी सकते हैं एट द सेम टाइम। ये ऊपर ये बहुत कम आर्टिस्ट में ऐसा टैलेंट होता है जो कि इनमें है, और तभी ये दोबारा तो फटाफट भूल भुलैया 3 आई और इनको वापस लिया। तो देखते हैं आप ये 2000 वेल दिवाली अभी 2024 काफी टाइम है, तो इंतजार करते हैं और इंतजार आगे करेंगे कि जब तक सॉन्ग्स वगैरह आए रहेगा, ऐसी मूवीज का तो इंतजार रहता है। और कभी कभार ऐसी एक मास्टरपीस मूवीज आती हैं, क्योंकि मूवी बेसिकली ना हर रोज 120-100 के करीब रिलीज होती है, लेकिन उनमें से अव्वल तो कोई चलती नहीं है, जो वीकली में से कोई एक दो चलती हैं, यानी 500 अगर रिलीज होती है तो उसमें से 3-4 होती हैं जो बहुत पीक पे जाती हैं, बाकी इतनी पीक पे नहीं जाती हैं, तो ये उनमें से एक है भूल भुलैया। अच्छा कभी कभार ना ब्रांड बन जाता है, अब भूल भुलैया ब्रांड बन गया, इसकी जितनी भी सीरीज आएंगी लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं और वो चलनी होती है, तो इसलिए वो कहते हैं कि उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रखा जाए। तो आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, लेकिन ये है कि सब कुछ चेंज हो गया, कास्ट और स्क्रिप्ट, लेकिन जिसका थीम है टू 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 आमिर है वो बंगाली, मतलब कुछ इन्होंने आइकॉनिक वही चीजें रखी हैं जो सॉन्ग बस मस्ट होते हैं। हाँ, कि मतलब भूल भुलैया क्या कह सकते हैं ना कि हम एक सिग्नेचर सॉन्ग है। सो आप अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें, आपको इंतजार है मूवी का। हाँ। तुम वीडियो कहने लगी थी दैट्स द मूवी, और देखा और आपका गानों का मतलब यार इससे पहले जो मुझे याद है ना एक हनी सिंह का गाना था जिसमें क्या आ रहा है एंड कार्तिक आर्यन मिलते हैं, वो याद है वो बस से नीचे वो जाके वहाँ पे एक डांस हो रहा था, देताली 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 से ऊपर भी हमने रिएक्ट किया था। तो अब इसके देखते हैं सॉन्ग्स कैसे होंगे, क्योंकि सॉन्ग्स भी इनके नए होते हैं और अपने एक्टर्स कौन है साथ वो भी तो ये नहीं पता। तो वेल आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें, बिल्कुल अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रखना है अपना ढेर सारा ख्याल, और जाते जाते चैनल को करना है लास्ट में सब्सक्राइब। गुड लक।